गर्मियों का सीजन आ चुका है और कुछ ठंडा ठंडा पीने का आजकल बड़ा दिल करता है, तो फिर मैंने बना लिया ये आम का रस और बड़ा ही मज़ेदार सा बना। आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो यहाँ मैंने लिए हैं 3 आम। इनको मैंने आधे घंटे तक ठंडे मटके के पानी में भिगा दिया था। उसके बाद आम को यहाँ मैंने अच्छे से पील कर लिया है और उसके बाद इसका जो सारा पल्प है वो मैंने एक होल में निकाल दिया है, पूरी तरीके से पल्प निकाला है ताकि थोड़ा सा भी जो पल्प है वो वेस्ट ना हो। उसके बाद लिया है एक ग्राइंडर जार, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है सारा पल्प। फिर डाल दी मैंने यहाँ 2 से 3 छोटे चम्मच चीनी। तो यहाँ मैंने आम को थोड़ा सा चख लिया था तो आम मुझे मीठे लगे, तो यहाँ मैंने चीनी जो है वो कम यूज़ की है। आप चीनी जो है वो उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चाहिए मीठा तो। फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे आधा बोल ठंडा दूध और उसको ग्राइंड किया तो थोड़ा और भी थिक था, तो वापस से बाकी का दूध डाल के और उसको बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर दिया। तो रेडी है हमारा बढ़िया एकदम रिफ्रेशिंग आम का रस। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ठंडा करके इंजॉय करें या फिर पूरी के साथ इसको इंजॉय करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।